दो सीरियल से मशहूर हो गई थी चेतना राज। गलत सर्जरी की वजह से गवाई जान कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस चेतना राज का आज है जन्मदिन। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस चेतना राज का आज जन्मदिन है। उनका जन्म साल 2001 में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। बहुत कम समय में उन्होंने पर्दे पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस चेतना राज का आज जन्मदिन है। उनका जन्म साल 2001 में कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। बहुत कम समय में उन्होंने छोटे पर्दे पर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। चेतना क्षेत्रीय दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। अपने एक्टिंग करियर में वह कई टीवी सीरियल में नजर आ चुकी है। चेतना उन उभरती अभिनेत्रियों में से एक थी जो आगे चलकर मनोरंजन की दुनिया में बड़ा नाम कमा सकती थी, लेकिन 17 मई 2022 को 21 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चेतना कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी है, लेकिन दोड़े सानी और गीता की वजह से वह घर घर में मशहूर हो गई थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसी लोकप्रियता हासिल कर ली थी जिसका सपना हर एक्ट्रेस देखती है। इन दोनों ही सीरियल का प्रसारण कलर्स कन्नड़ पर होता था। इसके अलावा वह ओलिवीना नील दाना जैसे धारावाहिक में भी काम कर चुकी है। छोटे पर्दे के अलावा वह हवाइया नाम की फिल्म में भी काम कर चुकी है जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतना प्लास्टिक सर्जरी के लिए बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी। शाम होते होते एक्ट्रेस की तबीयत बिगड़ने लगी। फेफड़ों में पानी भरने के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जानकारी के अनुसार सर्जरी के लिए उन्होंने अपने माता पिता से इजाजत भी मांगी थी, लेकिन चेतना की यह बात सुनकर घर वालों ने सर्जरी के लिए साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ खुद ही सर्जरी कराने अस्पताल पहुंच गई थी। चेतना के निधन के बाद उनके पिता वर्जू राजू ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके पिता ने कहा, मेरी बेटी सोमवार सुबह 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती हुई थी। जब तक हमें इस बात की जानकारी मिली तब तक ऑपरेशन शुरू हो चुका था। शाम तक फेफड़ों में पानी और वसा भर जाने के कारण चेतना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आईसीयू में समुचित सुविधा नहीं थी जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। फिलहाल पिता के इन गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।